ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রী অর্জুন সিং এর নেতৃত্বে আজ কাকিনাড়া 10 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মকর্তা মুন্না সিং, অরবিন্দ সিং, রাজজি প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রায় 200 জন পরিবারকে চাল, আলু, ডাল, সয়াবিন দেওয়া হলো। এই বিষয়ে অর্জুন সিং বললেন, আমরা এই কাজটি কেন করছি, কারণ যারা বাড়িতে রয়েছেন তারা যেন বাড়িতেই থাকেন, লকডাউনে সমস্ত নিয়ম মেনে চলেন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেন। সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই কর্মকাণ্ড। দেখুন সেই রিপোর্ট। सर, जैसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का लोग सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं और गलियों में भी लोग बैठ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस को नहीं बना पा रहे हैं, तो इस बीच जनता को क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, कितने भी लोग हैं और सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे लोग तो ये महामारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क पहनना और लोगों बिना मतलब का कोई चीज़ छूना, इससे परहेज करना होगा। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के ये बदमाशी कर रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, कुछ तो अनजान में कर रहे हैं और कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। ये लोग जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं इनको थोड़ा सा जानकारी देनी जरूरी है, थोड़ा कड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक श्रेणी लोगों को छूट दे दिया गया है जिसका फल है कि आज आईडी हॉस्पिटल का के अंदर आज वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ जो डॉक्टर कोरोना से इफेक्ट हुए हैं उनको आमरी में जाकर भर्ती होना पड़ा। तो ये सरकार जो एक झूठ का पुलिंदा बार 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 बोल रही है कि हमारे, आज भी बोला चीफ सेक्रेटरी कि हमारे पास वेंटिलेशन का कमी नहीं है, और आज भी खबर मिली है कि वहाँ के डॉक्टर को जाकर भर्ती होना पड़ा हमरे में, क्यों, वहाँ वेंटिलेशन नहीं। तो रोज़ का रोज़ यही हाल है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट तथ्य को क्यों छुपा रही है, तथ्य को छुपाना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये जानकारी होगी कि ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानने से बीमारी होती है, आपस में छुआछूत से बीमारी होती है, तो लोग बचेंगे। क्योंकि हमारा देश में थोड़ा बिना डर का कुछ होता नहीं, और ये डर को प्रशासन को कायम कराना चाहिए। और हम लोग चेष्टा कर रहे हैं हर तरह से कि लोग खाने बिना न मरें, उनके पास पहुंचाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक मैं इसी में काम में व्यस्त रहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग, कम से कम मैं सब जगह तो पूरे भारतवर्ष का जिम्मा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग कहीं भी भूखे न मरें। ये आपके माध्यम से भी सबके पास अपील है कि मेरा फ़ोन नंबर तकरीबन सभी लोगों को मालूम है, और कहीं भी कोई असुविधा हो तो मुझे बात कर सकते हैं, उनको राशन पानी की व्यवस्था होगी। सर, देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं और अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये होता है, अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है इस समय, क्योंकि लोग एक दूसरे से कम मिलते हैं तो अफवाह का बाज़ार गर्म होता ही है। कहा जाता है कि टेस्टिंग में मत जाओ नहीं तो नसबंदी कर दिया जाएगा, इसी में लोग डर से नहीं जा रहे हैं। अब इसका क्या जवाब है? आज जैसे बोल दिया गया सुबह में कि पेंशनर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों को पैसा काटा जाएगा, केंद्र सरकार बोल रही भाई कब ये बात बोला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अफवाह रहता है कोई जगह।